दोस्तों, आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि आप उबलते हुए पानी में कच्चे रोटी को डालकर एक ऐसी कमाल की चीज बनाकर तैयार कर सकते हैं जो आपको बड़े से बड़े 5-स्टार होटल का शेफ भी नहीं बताएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 कच्चे रोटी को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से उबालकर एक प्लेट में निकाल लेना है। उसके बाद एक पैन में हल्का तेल डालकर इसमें कुछ बारीक कटे हुए लहसुन और हरी मिर्च को डाल देना है और साथ ही साथ इसमें थोड़े से कटे हुए प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर को डालकर अच्छे से भून लेना है। और दोस्तों, हमने जो रोटी को उबाल कर रखा था उसे हमें कुछ इस तरह से पतला पतला काट लेना है और इसे पतला पतला काट कर हम पैन में डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर 2 मिनट पका लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा टोमेटो सॉस, चिल्ली सॉस और सोया सॉस को डालकर और 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। और अब आप देख सकते हैं हमारा ये एक बहुत ही हेल्थी और टेस्टी आटा से बना पास्ता नूडल्स बनकर तैयार है।